हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर फिल्म इविल आय। इसे डायरेक्ट किया है इलन और राजीव दस्सानी ने और इसकी राइटर है माधुरी शेखर। ये एक अमेरिकन फिल्म जरूर है लेकिन ये पूरी तरह इंडियन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और इसकी कास्ट भी इंडियन है। साथ ही इसे को प्रोड्यूस किया है प्रियंका चोपड़ा ने। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन। ये मूवी भी ब्लम हाउस की एंथोलॉजी वेलकम टू द ब्लम हाउस का हिस्सा है। ये अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है और अच्छी बात यह है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। काफी टाइम बाद कोई हॉरर मूवी हिंदी में रिलीज हुई है तो आप इसे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। एंड हमारे साथ अब 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं तो सभी को दिल से थैंक यू और कांग्रेस उन सबको जो कि मुझसे भी ज्यादा इस चैनल को अपना मानते हैं। एंड में मैं फ्यूचर वीडियो से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में और हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट औरत को जो कि एक ब्रिज के ऊपर से जा रही थी। अचानक उसके सामने एक आदमी आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। जब वो मना करती है तो वो उसका सर रेलिंग में दे मारता है। ये पास का सीन था। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट यूएसए में। हम देखते हैं पल्लवी को जो कि एक इंडियन है और वो अकेली यूएसए में रहती है। उसके मॉम डैड दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली की बात आई है तो बता दूं कि जिस औरत को हमने स्टार्टिंग में देखा था वो पल्लवी की माम उषा थी और जब वो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था तब पल्लवी ही उसके पेट में थी। पल्लवी के डैड का नाम कृष्णन है और उस रात उषा को हरास करने वाला आदमी कृष्णन नहीं था। वो कौन था ये हमें आगे ही पता चलेगा। उषा पूजा पाठ और ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। उसे हमेशा पल्लवी की शादी की फिक्र लगी रहती है लेकिन पल्लवी को शादी की कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि पल्लवी उनसे इतना दूर रहती है इसीलिए उसे बुरी नजर यानी कि इविल आय से बचाने के लिए उषा उसके पास कुछ ना कुछ भेजती रहती है। ये इंडिया में बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो लोग कहते हैं कि इसे किसी की बुरी नजर लगी हुई है। बस उसे इविल आय से उषा पल्लवी को बचा कर रखना चाहती है शायद। पल्लवी के लिए लड़का ढूंढने के लिए उषा दिन रात लगी रहती है। बड़ी मेहनत से वो एक परफेक्ट लड़का ढूंढती है और उन दोनों की मीटिंग फिक्स करती है। पल्लवी तो जाना नहीं चाहती थी लेकिन उषा के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। वो मीटिंग प्लेस पर पहुंचती है लेकिन वो लड़का उसे वहां नहीं मिलता। पल्लवी वहां उसका वेट कर रही थी और इसी बीच वहां बैठा एक इंडियन लड़का उसे नोटिस करता है। उसका नाम था संदीप। वो पल्लवी के पास आता है और उससे बातचीत शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनकी बातचीत इंटरेस्टिंग होती जाती है और जब तक उषा का पसंद किया हुआ लड़का वहां पहुंचता है तब तक पल्लवी संदीप के साथ वहां से जा चुकी थी। ये बात उषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो फोन पर पल्लवी को डांटने लगती है। उस वक्त भी पल्लवी संदीप के साथ थी। वो गुस्से में फोन काट देती है और उसके बाद फोन नहीं उठाती। इससे उषा को और ज्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि पल्लवी उसके बताए रास्ते पर नहीं चल रही थी। वो इस बारे में सोच सोच कर बीमार हो जाती है। यहाँ में अंदाजा हो जाता है कि उसे पल्लवी की कितनी चिंता है। वो दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती है और इसके पीछे कुछ तो रीजन जरूर होगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में ना तो पल्लवी ने उषा को संदीप के बारे में बताया और ना ही उषा ने पल्लवी को अपनी तबीयत के बारे में। एक दिन अचानक पल्लवी उसे बता ही देती है कि वो एक इंडियन लड़के से मिल रही है। ये सुनकर उषा खुश थी क्योंकि पल्लवी ने एक इंडियन लड़का पसंद किया था। उसके सर से कुछ टेंशन तो उतर ही चुकी थी लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब पल्लवी का ब्रेसलेट टूट जाता है। ये वही ब्रेसलेट है जो कि उषा ने भेजा था उसे इविल आय से बचाने के लिए। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन संदीप पल्लवी को इयररिंग्स गिफ्ट करता है लेकिन पल्लवी उन्हें लेने से इनकार कर देती है। उसके मना करने से संदीप को बहुत गुस्सा आता है जो कि सिर्फ हमें ही दिखता है पल्लवी को नहीं। पल्लवी उसे कहते हैं कि वो इन्हें एंगेजमेंट के लिए बचा कर रखे और ये सुनकर उसका गुस्सा गायब हो जाता है क्योंकि पल्लवी ने इनडायरेक्टली शादी के लिए हाँ कर दी थी। पल्लवी उषा को भी ये सब बता देती है। पल्लवी की बातों से उषा को फिर से चिंता हो जाती है क्योंकि उसकी बातों के हिसाब से संदीप कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। उषा उसे और कुछ तो नहीं कह सकती थी बस उसे शादी से पहले मूव इन करने से मना कर देती है। उषा को पूरा यकीन था कि पल्लवी उसकी बात नहीं टालेगी लेकिन फिर भी वह चिंता में थी और उसकी चिंता बिल्कुल ठीक थी। उस रात जब पल्लवी और संदीप पल्लवी के अपार्टमेंट में डिनर कर रहे थे तब संदीप पल्लवी को उसके साथ मूव इन करने के लिए कहता है यानी कि साथ रहने के लिए। पल्लवी को उषा की बात याद थी इसलिए वो उसे मना कर देती है। तब संदीप उसे कहता है कि अगर वो मूव इन नहीं करना चाहती तो ठीक है लेकिन वो उसे इस छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रहने देगा। संदीप एक अमीर लड़का था और वो पल्लवी को एक न्यू अपार्टमेंट दिला देता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। पल्लवी भी खुशी खुशी उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और उषा को इसके बारे में वो शिफ्ट होने के बाद बताती है। उषा पहले ही चिंता में थी और ये सुनने के बाद तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो पल्लवी से संदीप की पूरी डिटेल पूछ लेती है और उन दोनों की कुंडलियां मिलवाती है। वो उन दोनों को अलग करने का सिर्फ एक रीजन ढूंढ रही थी लेकिन उसे एक भी रीजन नहीं मिल पा रहा था। उन दोनों की कुंडलियां एकदम परफेक्टली मैच हो रही थी। उनके सारे गुण मिल रहे थे। अब तो उषा सदमे में जा चुकी थी
उसकी कहीं भी नहीं चल रही थी। वो तो अभी अपार्टमेंट को ही लेकर परेशान थी, उधर संदीप ने पल्लवी की जॉब भी छुड़वा दी थी। इससे पल्लवी तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अभी उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो पूरी तरह संदीप पर निर्भर होती जा रही है। पल्लवी इस बारे में उषा को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसे पता चल ही जाता है और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन अब पल्लवी को भी उसके खुश या ना खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उषा भी उसके इस बिहेवियर से हैरान थी। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो कृष्णन को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। ये उसके लिए कोई इशू नहीं था। यहाँ उन दोनों के बीच बहस होती है और इस बहस के दौरान हमें पता चलता है कि पल्लवी शापित है। उस रात ब्रिज पर उस आदमी ने पल्लवी के ऊपर इविल आई डाली थी, इसलिए उषा को उसकी इतनी चिंता लगी रहती है कि उसकी चिंता में वो खुद को ही बीमार कर लेती है। यहाँ में उषा का पागलपन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, लेकिन वो पल्लवी की समझ से बाहर था। अब पल्लवी उषा से बात नहीं कर रही थी और उषा भी और ज्यादा बीमार होती जा रही थी, इसलिए थक हार कर कृष्णन ही पल्लवी के पास कॉल करता है और बताता है कि उषा की हालत बहुत खराब है। अभी तक पल्लवी पूरी तरह अनजान थी, लेकिन अब कृष्णन उसे सारी असलियत बताता है। वो बताता है कि शादी से कुछ साल पहले उषा राकेश नाम के आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, पर वो रिलेशन बहुत ज्यादा अब्यूसिव था। राकेश उषा को मारता भी था और उसे मेंटली भी टॉर्चर करता था। वो उससे हर बात मनवा कर रहता था। राकेश बहुत बुरा इंसान था। उससे बचने के लिए उषा को शहर छोड़कर भागना पड़ा था और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने में उषा को कई साल लग गए। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिसने उषा को मारा था वो राकेश था। कृष्णन कहता है कि राकेश मर चुका है, वो पल्लवी के पैदा होने से पहले ही मर गया था। ये सब जानकर पल्लवी के होश उड़ जाते हैं। अब उसे उषा की चिंता और उसका बिहेवियर समझ आ रहा था। उषा नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो, लेकिन इसके लिए वो सिर्फ सावधानियां ही बरत सकती थी, क्योंकि पल्लवी के साथ भी ये सब होना तय है। राकेश ने उसके ऊपर इविल आई डाली थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब संदीप भी वहां आ जाता है। कृष्णन संदीप से बात करने लगता है और तभी उषा भी वहां आ जाती है। अभी तक उषा ने संदीप से बात नहीं की, इसलिए कृष्णन जबरदस्ती उसकी बात कराता है ताकि उसका वहम दूर हो सके। उषा उससे बात करती है और वो नोटिस करती है कि संदीप थोड़ी अजीब बातें कर रहा था, जैसे कि वो तकदीर में विश्वास करता है और ऐसी बातें कोई भी पहली कन्वर्सेशन में नहीं करता, वो भी अपनी सास से। पल्लवी उससे ज्यादा बात नहीं करती, बस उसे अपार्टमेंट के लिए थैंक्स बोलकर फोन काटने लगती है। तब संदीप कहता है कि मैं जो भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ, और ये लाइन उषा को खटक जाती है। ये ही लाइन राकेश बोला करता था। वो जल्दी से अपना रूम लॉक करती है और उन दोनों की कुंडलियां देखने लगती है। वो दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए कृष्णन को बाहर ही सोना पड़ता है। अचानक रात को उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उषा घर से गायब थी। वो हर जगह कॉल करता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। तब वो समझ जाता है कि वो कहाँ गई है। वो उसी ब्रिज पर जाता है और उषा उसे वहीं पर मिलती है। वो कहते हैं कि वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है। उसकी इन बात उसे कृष्णन भी तंग आ चुका था। वो उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। तब उषा कहते हैं कि ये सब फिर से शुरू हो रहा है। वो कहते हैं कि राकेश मर गया था लेकिन वो वापस आ गया है संदीप बनकर। वो बताते हैं कि संदीप का जन्म पल्लवी से 9 महीने बाद हुआ था, और अभी हमने सुना ही था कि राकेश पल्लवी के पैदा होने से कुछ देर पहले ही मरा था। उसके मुताबिक वो वापस आया है पल्लवी के साथ वो सब करने के लिए जो वो उसके साथ नहीं कर पाया। अब आपको तो उषा की बातों पर यकीन हो गया होगा, लेकिन कृष्णन सोचता है कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। वो उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। उषा को पूरा यकीन था कि संदीप ही राकेश है, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पल्लवी को जरा भी सफर करना पड़े, इसलिए अगले ही दिन वो उसे कॉल करके संदीप को छोड़ने के लिए कहती है, और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर था। ये सुनते ही पल्लवी का भी दिमाग खराब हो जाता है। उसने ऑलरेडी संदीप से एंगेजमेंट कर ली थी। वो उषा को कहती है कि जरूर नहीं, जो कुछ आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी होगा। उषा समझ जाते हैं कि कृष्णन ने पल्लवी को उसके पास के बारे में बता दिया है, लेकिन उसने सिर्फ आधी ही बात बताई थी, इसलिए उषा इसे पूरा करती है। वो बताते हैं कि जब राकेश ने उसका सर रेलिंग में मारा था तब वो समझ गई थी कि वो उसके बच्चे को मारना चाहता है, यानी कि पल्लवी को। उषा उससे डरी नहीं बल्कि उसने उसका सामना किया और किसी तरह उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया। राकेश को तैरना नहीं आता था, वो यमुना में ही डूबकर मर गया। इसके बाद वो हॉस्पिटल गई और वहां उसने जन्म दिया पल्लवी को। तो अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। राकेश ऐसे मरा था और उसके मरने के बाद ही पल्लवी पैदा हुई थी। अब क्योंकि राकेश मरने से पहले पल्लवी को ही मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उषा को लगता है कि वो संदीप बनकर अपना अधूरा काम पूरा करने आया है। ये बात वो पल्लवी को भी बता देती है और ये सुनकर पल्लवी हंसने लगती है। उसे भी यही लग रहा था कि उषा मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है, इसलिए उसकी बात पर यकीन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और पल्लवी का बर्थडे आ जाता है। उषा सोशल मीडिया पर पल्लवी की पिक चेक कर रही थी, तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें पल्लवी ने संदीप के दिए हुए इयररिंग्स पहन रखे थे। उन्हें देखकर उषा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इयररिंग्स सेम वैसे ही थे जैसे कि राकेश ने उसे गिफ्ट किए थे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उषा के पास पल्लवी का फोन आता है, लेकिन वो फोन किया था संदीप ने। वो उषा से पूछता है कि आपको इयररिंग्स कैसे लगे।
ये वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उस फोटो पर उसने उषा का लाइक देखा था। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, संदीप कहता है कि वो तुम्हारी ही चॉइस थी, तुम उन्हें कभी नहीं उतारती थी। और यहाँ फाइनली ये कंफर्म हो जाता है कि संदीप सच में राकेश ही है। उषा इससे ज्यादा सरप्राइज नहीं होती क्योंकि उसे पहले इस बात पर यकीन था। वो उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। वो कहता है कि मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। आज पल्लवी का बर्थडे है और उषा को यही डर था कि कहीं आज के ही दिन उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो कुछ भी नहीं सोचती और सीधा यूएसए के लिए निकल जाती है। वो सीधा जाती है पल्लवी के अपार्टमेंट में, लेकिन पल्लवी उसे वहां नहीं मिलती। उसे मिलता है संदीप। वो उषा को देखकर कहता है कि तुम कितनी बदल गई हो। ये बात वो आदमी कह रहा है जिसकी पूरी बॉडी ही बदली हुई है। पल्लवी उसके घर पर थी। वो उषा को पल्लवी से मिलने के रूल्स बताता है। उसे पल्लवी से कोई भी फालतू बात नहीं करनी थी, नहीं तो वो पल्लवी को मार देगा। उषा इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास चॉइस ही क्या थी। सालों बाद फिर से उसका मेंटल टॉर्चर शुरू हो चुका था। वो संदीप के घर जाती है और पल्लवी को बर्थडे सरप्राइज देती है। रूल्स के मुताबिक वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी और ऐसा दिखा रही थी जैसे वो बहुत खुश है, लेकिन पल्लवी को उसका ये बिहेवियर अजीब लगता है। ऐसी वो कभी भी नहीं थी। पल्लवी उससे पूछती है कि क्या बात है। संदीप भी उनके आसपास घूम रहा था इसलिए उषा कुछ भी नहीं बता सकती थी, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। अब इससे पहले कि पल्लवी को सच पता चल जाए, संदीप बहाने बनाकर उषा को गेस्ट रूम में भेजने लगता है। उषा भी चुपचाप चल देती है, लेकिन पल्लवी उसे अकेले नहीं जाने देती। वो उसे छोड़ने जा रही थी लेकिन संदीप उसे रोक लेता है। पल्लवी फिर भी उषा के साथ जा रही थी, तब संदीप कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये हदसे ज्यादा वियर्ड बिहेवियर था। पल्लवी नोटिस कर लेती है कि संदीप के साथ कुछ गड़बड़ है और तभी उषा अपना सीक्रेट वेपन रिवील कर देती है, जिसकी उम्मीद संदीप को भी नहीं थी। उसने वही रिंग्स पहन रखे थे जो राकेश ने उसे दिए थे। उन रिंग्स को देखकर एक पल में ही पल्लवी सब कुछ समझ जाती है कि उसकी मां ने जो कुछ भी बताया था वो सच था, क्योंकि अब सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। संदीप का भांडा फूट चुका था इसलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है, यानी के अब्यूसिव रूप में। वो उषा को स्टैप कर देता है। इसके बाद वो पल्लवी को जान से मारने लगता है। अब वो वही काम कर रहा है जिसे वो पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन पिछले जन्म की ही तरह इस बार भी उषा उसे कामयाब नहीं होने देती। वो फाइट बैक करती है और उसे जान से मार देती है। राकेश इस जन्म में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उषा बिल्कुल सही सलामत थी और अब पल्लवी को एहसास हो रहा था कि उसकी माँ बेकार में ही चिंता नहीं करती थी। खैर अब वो टेंशन फ्री थे और अब उषा उसके लिए दोबारा लड़के देखना शुरू कर सकती थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में राकेश ने फिर से जन्म ले लिया था, यानी कि वो दोनों कुछ और साल चैन से जिएंगे, उसके बाद वो फिर से उनकी लाइफ में आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी थी, फिर भी देखने लायक थी। हम सबको ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा स्केची लग सकता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम कई अजीब मूवीज पहले ही देख चुके हैं, लेकिन हॉलीवुड के लिए कॉन्सेप्ट अलग ही है। अब ये मूवी पूरी तरह इंडियन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन आयरनी ये है कि ये इंडियन मूवी नहीं है, जबकि इस मूवी की पूरी टीम भी इंडियन है। और ये इंडियन इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी भी इंडियन प्रोड्यूसर ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। प्रियंका चोपड़ा मूवी के साथ जरूर जुड़ी है, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलता कि ये एक अमेरिकन मूवी है। तो इस मूवी का प्लॉट उतना ज्यादा इंप्रेसिव आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन इस मूवी में एक मैसेज था जो कि इस मूवी को और इफेक्टिव बनाता है। मूवी में एक माँ अपनी बेटी को गाइड कर रही है ताकि जो कुछ उसे झेलना पड़ा वो उसकी बेटी को ना झेलना पड़े। इसमें हम एक जनरेशन से दूसरी तक आ रहे हैं। ये तो हो गया उस माँ का पर्सपेक्टिव। अब जिस ईविल से वो लड़कर बची थी, जो कि उसकी जनरेशन में ही खत्म हो गया था, वो उसकी बेटी की जनरेशन में भी फिर से वापस आ जाता है। अब इस जनरेशन में भी वो दोनों से लड़ते हैं और किसी तरह उससे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन उससे छुटकारा पाना नामुमकिन है क्योंकि वो अगली जनरेशन के लिए भी तैयार है। तो हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें, उसी विल से नहीं बच सकते, हमें उसे फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए उससे डरने के बजाय हम खुद को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए है। हमें एक ना एक दिन अपने वर्स्ट फियर को फेस करना ही पड़ता है। चॉइस हमारी होती है, या तो हम उससे डरते हुए पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, या हम उसे फेस करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। ये था इस मूवी का मैसेज। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस को आप तक पहुंचने के लिए अगला जन्म ना लेना पड़े। और सदा कनेक्टिव रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आती है अनाउंसमेंट की बारी। तो मैं आपको इस चैनल की फ्यूचर वीडियोस के बारे में बताना चाहता हूँ। अगले 2 महीने चैनल पर सिर्फ प्रीमियम कंटेंट आएगा। प्रीमियम यानी कि डिटेल्स, रेफरेंसेस, थ्योरीज और फैक्ट्स वाली वीडियोस। इसमें शामिल है सॉ सीरीज, स्क्रीम सीरीज, द पर्स सीरीज और भी बहुत सारी वीडियोस। इन सीरीज में आपको इन मूवीज और फ्रेंचाइज से जुड़ी ऐसी डिटेल्स पता लगने वाली हैं जो आपको पहले नहीं पता होंगी। तो नवंबर और दिसंबर फुल ऑफ हीट रहने वाला है, आप बस तैयार रहिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।